और माशाल्लाह मेरा भैया सुबह सुबह उठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रही थी क्योंकि बच्चों की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। पंकू और अजरा दोनों की चोट लगी हुई थी और फीवर भी आ रहा था। पंकू को मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मतलब कि खुद से ही वीडियो बनानी होती है और अब मुझे ही एडिटिंग वगैरह करनी है, अपलोडिंग करनी है, तो टाइम मतलब कि वीडियो बनाने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे बिल्कुल भी। और यहाँ हो रही है अजरा रेडी, आज इसको स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जानी है। लास्ट टाइम तो हम लोग मतलब घर के कपड़े पहन के चले गए थे, लेकिन आज मैसेज में आया है कि बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर आनी है। आज इनकी स्कूल की सेकंड पीटीएम है। फर्स्ट पीटीएम में जब हम लोग गए थे तभी हम लोगों ने ब्लॉग बनाया था और आज माशाल्लाह दूसरी पीटीएम है। फ्रेंड्स देखें अजरा की कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। यहाँ पर चोट थी, मतलब ये पूरा रेड रेड हो रखा था, अब तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से ठीक हो गया है, सूख गया है ये। बहुत दिन से बेचारी परेशान हो रही थी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी लड़की। तो फाइनली बंकू रेडी हो गया, स्कूल की पूरी यूनिफॉर्म पहन ली बच्चे ने। मैं एक काम करूं, मैं जाके पार्किंग खोलूं। चलो खोल लो, ये देखो दादू ये बोल रहा। तो हम लोग जाएंगे स्कूटी से, बच्चे रेडी हो गए। आलिया अपने सॉक्स पहन रही है। अब मैं आपको ना नीचे स्टॉप भी दिखाऊंगा, फ्रेंड्स को भी दिखाऊंगा। तो मैंने नाश्ते में लोगों के लिए बनाया था पास्ता, लेकिन देखो दोनों ने खाया नहीं है, बोले आकर खाएंगे हम लोग। तो इसको मैं अभी ढक के रख देती, बाद में दूंगी इनको। एसी बंद कर देते बेटा, एसी ऑन है, लाइट चली गई थी, आई है तो देखो लाइट एसी ऑन हो गया। रुको मैं ऑफ कर देती हूँ इसको, यहीं से कर देते हैं। देखो वो वहाँ साइकिल चला रहा है, मतलब स्कूल जा रहा है तब भी साइकिल चलाता है। देखो पूरा भाई स्कूल जा रहा है, साइकिल नहीं चला दी। और फिर लॉक कर दिया हमने अंदर वाला, हो गया वहाँ, इसको भी लॉक कर देंगे अब। अजरा आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। उधर साइड घुमाओ ना बेटा। तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए। हम लोग लेट तो नहीं हुए ना? चलो तारा, लेट तो नहीं हुए ना बेटा? बंकू को उसकी क्लास के बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं। ये भी मेरी क्लास की, ये भी मेरे क्लास की, सारी लड़कियां ही लड़कियां मिले, लड़के नहीं मिले। हाँ बेटा, हाँ अच्छा वहाँ गिरी थी, बता रही है ये इसके। और हम लोग ना जैसे मतलब निकले स्कूल से बाहर, तो सीट ना इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत गर्म होती है। यहाँ इसको साइड में लगे खड़ा करा हुआ है, बंकू से बैठा हो, बेटा इस पर मत बैठो, गर्म हो रही है, इसको थोड़ी ठंडी होने दो, इसके बम गरम हो जाएंगे। चार चार बोले ना दादी ने, चार ले ले हैं, ठीक है। और लूं और चीज कितने की है ये? 17 रुपए की एक। अरे बुला ली, इसमें मिल गई पीने। ये कितने की है? 117 रुपए की। कितने ग्राम में है? 20 रुपए बोले। दो समोसे दे दो, ये वाली दे दो। चलो भाई सारा सामान ले लिया हमने, चलो आराम से रोड क्रॉस करना। आप पकड़ो, हाँ पकड़ो, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। हम लोगों ने ले लिए थे पिज्ज़ा, तो चार पीस लिए हैं पिज्ज़ा के, 6 किलो की हमने ले ली पिज्ज़ा पेस्ट, मोज़रेला चीज़ और चटनी। और ये है हमारे 40 का है एक, इसमें 2 पीस आते हैं, यानी 1 20 का। तो ये हिसाब लगाने बैठ गए फ्रेंड्स, 20 रुपये का एक आएगा तो इसका मतलब 40 रुपये के 2 हो गए। तो ये आपके और मिल जाएंगे 80 रुपीस। ये हम 262 में लेकर आए हैं ये सारी चीज़ें, मतलब ये चीज़ भी है, बेस भी है और वो पिज्ज़ा सॉस भी है। और फ्रेंड्स अगर हम एक पिज़्ज़ा मंगाते तो वो 200 का एक आता। तो हम लोग घर आ गए थे, चेंज करने के बाद इन लोगों को बैठा देता ड्राइंग करने के लिए, दोनों बैठ के ड्राइंग करने के लिए। यहाँ पर बना रहे हैं ये फ्लावर पॉट बर्ड्स, और पंकू भैया ने बना लिया है, अभी चेक कराएंगे अपना।
एक ये बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी अच्छी नहीं बनाई आपने। यहाँ से थोड़ा ऐसे गोल होता ना तो और अच्छा। कितनी प्यारी क्यूट बर्ड बनाई है इसने, क्यूट जब सी। मैंने स्कूल में बनाई थी ना तो ज्यादा मोटी बन गई थी, तो डन गया, मोटी बर्ड बनाई नहीं अभी बहुत प्यारी बनी है, अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट में बताना कि बंकू ने कैसे बनाई है। मेरे पास बैठ गया कि मुझे पढ़ाई करा दो, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए बुक रख ली है किचन में ही, और मैं इसको यहाँ से डिक्टेशन बोल रही हूँ। मेरा बच्चा डिक्टेशन लिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको बोला है कि अगर ये रोज मेरे को एक पेज इंग्लिश एक पेज राइटिंग का लिख कर दिखाएगा, एक पेज तो मैं इसको रोज साइकिल चलाने के लिए भेजूंगी। आज से ही कर लेते हैं ना। चलो कहाँ जा रहे हो, सही में धूप हो रही है, कहाँ जा रहे हो? अभी बोल रहा ये फ्रेंड्स से जा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए, उनको डांट पड़ रही है। अभी गर्मी हो रही होगी बाहर बहुत ज्यादा। 6 बजे सुनो, 6 बजे चले जाना बाजी को ना 6:30 बजे तक चला रहे थे ना, फिर 6:30 से 7 तक आप चला लेना है आधा घंटा। ये देखो लड़की चेंज भी करके आ गई। रुको अभी गर्मी हो रही है, बेटे इधर आओ। कहाँ गर्मी हो रही है, सारा मौसम ठंडा सा रह रहा है। आपको घर में ठंडा लग रहा है, बाहर गर्मी ऐसी चल रहा है ना, इसलिए ठंडा लग रहा है। मैं 1 घंटा पूरा चलाऊंगा, अभी नहीं जाओ, अभी ठंड हो, धूप हो रही, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाहर धूप हो रही बेटा, अभी नहीं जाओ, 6 बजे जाना, 6 बजे जाना, नहीं आधा घंटा तो मैं देगा चलाने के लिए, ठीक है? अभी नहीं जाओ, जल्दी करो, 6:30 से 7:30 में, हाँ आधा घंटा जाऊंगा, आधा घंटा बाजी को चलाने देना। 1 घंटा क्यों चलाएगा, मैं आधा घंटा क्यों चलाऊंगी? आप उसकी साइकिल चलाने जा रही हो ना, आपकी साइकिल तो पंचर खड़ी है। बेटा स्टंट नहीं दिखाना, मम्मी भी गई है गुड़हल की कलियां तोड़ने के लिए। यहाँ हमारे यहाँ गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है नीचे, इसमें फूल निकलते हैं तो उसको तोड़ने के लिए आई है। ये वाला गुड्डे लेकर आई है, इसको मंगाए थे छोटे वाले, बोले वो नहीं मिल रहा है।